वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग केस स्टडी मेथड पढ़ने वाले हैं। तो केस स्टडी मेथड में क्या होता है, ये बहुत ही एक पॉपुलर फॉर्म है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, और ये इन्वॉल्व करता है केयरफुल और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। मतलब हम ध्यान से और पूरी ऑब्जर्वेशन करेंगे एक सोशल यूनिट, मतलब कि वो एक पर्सन के बारे में भी हम बहुत ज़्यादा तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिस्टर ए को हम ऑब्जर्व करेंगे, मिस्टर ए सैड क्यों रहते हैं, हम और जानने की कोशिश करेंगे कि वो सैड क्यों। तो हम कहीं ना कहीं केयरफुल और कंप्लीट ऑब्जर्वेशन करेंगे मिस्टर ए का। हम यहाँ पे एक सोशल यूनिट मतलब एक पर्सन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एक फैमिली के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एक कल्चरल ग्रुप के बारे में स्टडी कर सकते हैं, और हम पूरी कम्युनिटी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी मेथड। तो केस स्टडी मेथड क्या है, यहाँ पे हम डेप्थ में पढ़ते हैं रादर देन ब्रेथ में। मतलब कि हम भले ही कम लोगों के बारे में पढ़ेंगे बट हम बहुत ही डीप में पढ़ेंगे उनके बारे में। तो केस स्टडी बेसिकली आपका डील करता है और ज़्यादा एम्फोसिस डालता है ऑन फुल एनालिसिस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इवेंट्स और कंडीशन और उनके इंटर रिलेशंस को भी जानने की कोशिश करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केस स्टडी मेथड के बारे में जानेंगे। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर रिसर्चर एक वन सिंगल और सोशल और उससे ज़्यादा यूनिट के बारे में स्टडी करता है, और जो सिलेक्टेड यूनिट होते हैं उसको इंटेंसिवली मतलब डीप में पढ़ने की कोशिश करता है, माइन्यूट डिटेल्स मतलब एक एक डिटेल्स को पढ़ता है। हियर वी मेक कंप्लीट स्टडी ऑफ सोशल यूनिट जैसा कि ऊपर बताया, कवरिंग ऑल फेसेट्स। मतलब मिस्टर ए के बारे में पढ़ रहे हैं तो मिस्टर ए की सोशल लाइफ, उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो कैसे रहते हैं, सब चीज़ें हमें जाननी हैं। अगर मान लीजिए मैं केस स्टडी कर रही हूँ किसी पर्सन का जो बहुत सैड रहता है, तो मैं सब चीज़ें उसके बारे में जानने की कोशिश करूँगी और पता लगाऊंगी कि वो सैड क्यों रहता है। दो दिस मेथड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स ऑफ फैक्टर दैट आर ऑपरेटिव विद इन अ सोशल यूनिट एज एन इंटीग्रेटेड टोटैलिटी। डी है हमारा अंडर दिस केस स्टडी मेथड एवरी पॉसिबल एफर्ट हम करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सच केस स्टडी डिपेंड ऑन आवर परसेप्शन एंड गिव अस अ इनसाइट ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि मान लीजिए मैंने स्टडी किया कि क्राइम क्यों होते हैं, क्राइम क्यों आजकल बढ़ रहा है, तो उन क्रिमिनल्स के बारे में मैं स्टडी करूँगी कि उनको क्या चीज़ ढकेलती है क्राइम करने के लिए, और मैं हर चीज़ उनका बचपन से लेके जाने की कोशिश करूँगी कि इन्होंने ये क्राइम क्यों किया या लोग क्राइम क्यों करते हैं। मैंने दस लोग जो चोरी करते हैं उनके बारे में स्टडी किया, उनकी अर्ली लाइफ, उनके स्कूल लाइफ और उनकी मिडिल लाइफ, और सब चीज़ जान के मैं कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करूँगी कि इस वजह से ये लोग क्राइम करते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं केस स्टडी करूँगी उन क्रिमिनल्स की। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज केस स्टडी मेथड इन ब्रीफ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चिल्ड्रन। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।